पानीपत बस स्टैंड के पास जितेंद्र हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने पहुंचा निगम प्रशासन। पिछले 26 सालों से बना है जितेंद्र हॉस्पिटल। नगर निगम ने आरोप लगाए हैं कि नक्शे के हिसाब से नहीं बना है ये हॉस्पिटल, जिसको लेकर कई बार दिया गया है नोटिस। नगर निगम की टीम के वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने हंगामा शुरू कर दिया। तभी निगम के सदस्यों को वहां पुलिस बुलानी पड़ी। पानीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और कहा अभी मरीजों को यहां से शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी किसी प्रकार की कार्यवाही हॉस्पिटल पर नहीं की जा सकती, जिस पर निगम की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। कितने साल से देख रहे हो हॉस्पिटल? 26 साल हो गए। कहना है उसपे की हमारा नक्शा पास है, ये नोटिस तो अब कोई शिकायत कर देता है तो ये दे देते हैं जी आपका ऐसा है, फिर हम उनको सारे नक्शा दे के आते हैं, सारे कागज दे के आते हैं अपने, तो वो कहते हैं ठीक है, फिर चुप कर जाते हैं, कोई जवाब नहीं आता। हमें ये कहें कम से कम भी इसको ऐसे करो, क्योंकि नक्शा पास है, हमने कंपाउंडिंग फीस दे रखी है, सारा कुछ कर रखा है, 3 मंजिल का हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का नक्शा पास है, मतलब इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेसिक चीज क्या है, ये पंगा जो है और निखिल नागपाल के कारण हो रहा है, निखिल नागपाल ने मेरी बिल्डिंग दबा रखी है। लेकिन सर उनका कहना है कि जो अनऑथराइज बना हुआ है उसके बारे में इसको हटाने के 3 बार नोटिस जारी किए हैं। जो सरकारी तंत्र है बिल्कुल उनके हाथों में बिका हुआ है और उनके मजबूर होकर मेरे हॉस्पिटल को आज जो हमें बिल्कुल नैतिक काम हो रहा था उसको सील करने के लिए आ गए विदाउट नोटिस। मेरे 15 मरीज सीरियस पड़े हैं, उनको भी जबरदस्ती धक्के मार के निकाल रहे हैं। मैंने नगर निगम की ओर से अस्पताल का नक्शा पास करा रखा है, मेरे जहाँ पे भी कानूनों का उल्लंघन था उसका जुर्माना अदा करके आज से 94 का मेरा नक्शा पास है लगभग, और 26 साल से मैं बिल्डिंग पे काम कर रही हूँ। क्या राजनीतिक कारण क्या बता रहे? कारण ये थी मेरी एक बिल्डिंग है और राजनीतिक गुंडों ने दबा रखी है। सात देवी मूर्ति कॉलोनी है, वहाँ पे आज कोर्ट ने उनको ऑर्डर दे दिया कि 36 लाख का पुराना जुर्माना दो और उनकी बिल्डिंग खाली करो, जो उनके ऊपर 426-463 बिल्कुल प्रशासन ने नजायज मुकदमे दायर कराए थे वो बिल्कुल गलत है। DDA ने और SP के ऊपर भी इसके बारे में बात आती है कि ऑफिसर्स ने जो नजायज मुकदमा दर्ज कैसे किया विदाउट इन्वेस्टिगेशन, उसके दबाव को दबाने के लिए आज DC साहब जी का पता नहीं नगर निगम की ओर से 200 पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी परमिशन मेरे हॉस्पिटल के अंदर आके मेरे मरीजों को धक्के मार रहे हैं और मेरे को परेशान कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी की साक्षात तस्वीर है जो कि सत्ता पक्ष की ओर से इतना अन्याय नहीं हो सकता। वो क्या मतलब राजनीतिक क्या बोझ रखते हो राजनीति में, किसके दौर में कर रहे हैं? मैं बाद में बात करती हूँ सर आपसे, पहले ये SP साहब जो नगर निगम ये सारे लेके आए हैं, पुलिस को लेके आए हैं, वो मेरे से बात करें कि मैं एक समाज में अच्छी भलाई का काम करने वाली डॉक्टर हूँ, नक्शा पास करा के बैठी हुई हूँ। कमर्शियल का नक्शा पास है, हस्ता का नक्शा पास है, यही नगर निगम जब हमें नक्शा पास करके 26 साल से हस्ता चलाने की परमिशन दे रहा है तो आज 2 मिनटों के अंदर सील लगाने के लिए आ गए विदाउट नोटिस, विदाउट हमें बताए हुए, गिराने का टाइम दे, बताने का टाइम दे, मरीजों को संभालने का टाइम दे, ये गुंडागर्दी नहीं है? चलो ठीक है, मेरे 12 मरीज पड़े हैं, यदि किसी को कुछ भी हो जाता है मैं अभी भी जहाँ पे उनको टाइम नहीं दे पा रही, अभी भी कुछ हो जाता है तो ये सारा प्रशासन जिम्मेदार है। ठीक है, आज जैसा कि आपको विदित है कि नगर निगम आयुक्त के आदेश अनुसार इस बिल्डिंग सीलिंग के आदेश हुए थे, तो नगर निगम आयुक्त साहब ने एक कमेटी गठित की थी नगर निगम के XCN की अध्यक्षता में, और माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय ने मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था लैंड ऑर्डर इश्यू देखने के लिए, और सिविल सर्जन को भी आदेश थे कि वो मेडिकल ऑफिसर्स की टीम भेजे वो असिस्ट दी रेडिंग टीम, तो उस टीम ने जो सिविल सर्जन की टीम थी उसने अपने रिपोर्ट ये दी है कि अभी पेशेंट हैं जो ऑपरेटेड पेशेंट हैं कुछ और उनको शिफ्ट किया जाना उचित नहीं होगा, इसलिए ये कार्रवाई उनकी रिकमेंडेशन पे डेफर की जा रही है। कुछ कितने दिन का समय दिया सर? नहीं अभी समय का तो निर्धारित नहीं है, जब तक पेशेंट फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए, फिलहाल पोस्टपोन कर आदेश सर किसी की बिल्डिंग खाली कराने के, बिल्डिंग सील करने, सील करने के जो बिल्डिंग बनाई है ये इसमें काफ़ी वायलेशंस हैं, इनको नोटिस दिए गए थे लेकिन नोटिसों की इन्होंने अनुपालना नहीं की जी।
अब इसमें सीलिंग के आदेश हो चुके हैं इस बिल्डिंग के, तो इसीलिए यहाँ पे सील करने आए। लेकिन सर 29 साल से हॉस्पिटल पास है, आज तक तो प्रशासन जागा नहीं एकदम से, क्या जा? पहले भी नोटिस दिए थे, इन्होंने पहले भी बोलना नहीं थे, लेकिन ये तो मना कर रहे हैं, आज तक कोई नोटिस नहीं आया। नहीं, ये बात गलत है। कोई बता रहे राजनीतिक दबाव के चलते इस पूरी कार्रवाई किया जा रहा है? नहीं, ये मेरे नोटिस में कोई इस तरह की कोई चीज नहीं। लेकिन सर इतने सारे मरीज हैं, इनको परेशान कर रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं नोटिस तो दोगे ना इतने दिन के बाद आप खाली किए? नोटिस दिया है, पहले भी नोटिस दिए थे, पहले भी पालना नहीं हुई और उसके बाद फिर दोबारा नोटिस भी दिए हैं और उसकी भी पालना नहीं हुई। नोटिस में क्या लिखा था सर? कि भाई आप इसमें जो वायलेंस है इन्हें रिमूव करो। वायलेंस क्या क्या सर इसमें? वायलेंस का मतलब होता है जो बिल्डिंग प्लान पास होता है तो होता है उसी के हिसाब से बनाना होता है, अगर मान लो उसके हिसाब से नहीं बनाता तो वो वायलेशन कहलाती है। क्या गलत बनाया सर इस बिल्डिंग में, क्या गलत है वो सर? तो बिल्डिंग प्लान से आप भी देख सकते हो, लेकिन नक्शा तो पास है ना, नक्शा तो दिखा रहे हैं ना, पास होना आपके विभाग ने पास है, नक्शा पास स्वीकृत होना अलग चीज है, स्वीकृति के अनुसार बनाना वो चीज है मेन चीज, तो स्वीकृति के अनुसार जो नक्शा में स्वीकृति दी गई है जहाँ पे जो चीज बननी चाहिए वहीं पे वो चीज बननी चाहिए। तो आज सील करके जाएंगे सर फिर आज के आए तो इसीलिए सील करेंगे। लेकिन सर एक बात का जवाब है, इतने सालों से निगम क्यों नहीं जगा, आज क्यों जगा? मैं तो ये कह रहा हूँ पहले नोटिस दिए गए थे, नोटिसों की पहले नहीं मानी, फिर दोबारा दिए गए, फिर भी नहीं मानी, अब दोबारा भी दिए गए, फिर कितने नोटिस दिए इनको। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।